लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन का अंतिम दौर चल रहा है और सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को संबल लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए इंडिया गठबंधन के सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम और असमौली से सपा विधायक पिंकी यादव मौजूद रहीं। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए गठबंधन प्रत्याशी ने कहा कि ये नामांकन केवल मेरा नामांकन नहीं है, संबल लोकसभा क्षेत्र से MP बनने के लिए ये नामांकन नहीं है, बल्कि देश की सरकार बदलने के लिए ये संबल की आवाम की आवाज़ नहीं है, बल्कि पूरे देश की आवाम चाहती है कि BJP की सरकार हटनी चाहिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच से नफरत खत्म हो सके और देश में विकास हो सके। लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दों के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कमर तोड़ महंगाई है, जिससे पूरे देश और प्रदेश की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। 400 पार के नारे पर बोलते हुए कहा कि ये झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, 400 पार नहीं बल्कि देश की जनता उन्हें 400 से अधिक सीटों पर हराने का काम करेगी। यही जो नामांकन कराया है, ये खाली मेरा नामांकन नहीं है। इस बार ये नामांकन इस संबल लोकसभा क्षेत्र में MP बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस देश की सरकार बदलने के लिए है और सभी लोग मिलकर करके पूरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग लोकसभा क्षेत्र का, पूरे देश के आवाम का यही सोच है कि ज़्यादातर लोगों की सबकी के इस बार BJP की सरकार हटनी चाहिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, जिससे कि लोगों के आपस में बीच की नफरत खत्म हो सके और फिर देश के अंदर विकास हो सके। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जो कमर तोड़ महंगाई है पूरे प्रदेश और देश की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों का उनका हक नहीं मिल पा रहा, गरीब मजदूर आवाम जितने गरीब लोग थे वो गरीब होते चले जा रहे हैं, मालदार उतना ज़्यादा मालदार ज़्यादा उनकी बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों का टैक्स माफ़ नहीं कर करके, बकाया माफ़ नहीं करके लोन का, जो बड़े चंद 4-6 जो बड़े उद्योगपति हैं उनका वो माफ़ किया गया है, एक किसानों के सम्मान के लिए उनका MSP दिलाने के लिए, इन सारी चीज़ों मुद्दों को लेकर हम चुनाव में भाजपा का 400 पार का जो नारा है वो जैसे कि झूठेबाजी सरकार है, जुमलों वाली सरकार है, 400 पार नहीं, बल्कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा 400 इस बार जनता।